इन्हीं सब लोगों ने अपने प्रिंसेस के लिए प्रिंस चार्मिंग आकाश ढूंढा. आई कैंट एक्सप्रेस माई इमोशंस फॉर यू ऑल इन वर्ड्स, सो दिस डांस इज फॉर यू ऑल. पापा, बहुत बार आपको लगा होगा कि मैंने अनसुना सा कर दिया, कई बार अनदेखा सा कर दिया. वो अनसुना और अनदेखा तो बस बहाना था, असल में तो मुझे अपना इमोशंस छुपाना था. याद है मुझे किस तरह एग्ज़ाम टाइम में जब रात को पढ़ा करती थी तो आप आधी रात को उठकर कॉफ़ी बना दिया करते थे, मेरी हर इच्छा पूरी करना, फिर चाहे वो मेरा 10 तरह की डॉल्स और टेडी बियर हो या फिर फ्रेंड्स के साथ ट्रिप. आपने कभी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं उठाने दी, मेरे बोले बिना ही मेरे हर काम पूरे करे. इतना प्यार तो शायद ही मुझे कोई दे पाएगा जितना आपने मुझे दिया. थैंक यू पापा फॉर कीपिंग मी लाइक अ प्रिंसेस ऑलवेज. पापा, मैंने आज तक आपसे जो कुछ भी मांगा है वो आपने हमेशा दिया है, कभी मना नहीं किया. आज मैं आपसे एक चीज़ और मांगना चाहती हूँ कि जब मैं शादी करके घर जाऊँ तो आपकी आँखों में आंसू नहीं, फोटो पर मुस्कान हो, क्योंकि मैं नए घर की सारी चेंजेस सब एक्सेप्ट कर लूँगी, पर आपकी आँखों में आंसू सोचकर ही मेरी आँखें भर आती हैं. इसलिए प्लीज़ आप मुझे हंसते हुए भेजना. मम्मा, आपकी तो परछाई हूँ मैं, आज जो कुछ भी हूँ आप ही की मेहनत की वजह से हूँ. आपकी सिखाई हुई हर बात आपके एक दोस्त की तरह मेरे साथ में, मेरी लाइफ में हर डिसीजन में मेरे साथ खड़ा रहना, शायद यही मेरा सपोर्ट सिस्टम है. आज जो कुछ भी हूँ इसी सपोर्ट सिस्टम के कारण हूँ. आपकी दी हुई डांट, उसमें छिपा आपका प्यार मुझे बहुत याद आएगा. लव यू मॉम. छोटा ये था पर मस्ती में इसके साथ छोटी मैं बन जाती थी. जब ये घर देर से आता था तो पापा से इसको खूब डांट खिलवाती थी. इसका मुझे डॉली बहन से डॉन कह के बुलाना, चीकू तेरा वो रात में पढ़ते टाइम मैगी और कॉफ़ी बनाना बहुत मिस करूँगी मैं. हम पढ़ते कब थे, किचन में रात भर एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करते थे. आई लिव द बेस्ट मोमेंट्स विद यू ब्रो, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड, लव यू. राजा लड़े फिर खिलौनों के लिए, तू जीते मैं हार जाऊं. राजा करे फिर वही शरारत, तू भागे मैं मार खाऊं. मीठी सी वो गाली तेरी
शादी का ख्याल आता था तो मेरा दिल घबराता था, पर मम्मा पापा आप लोगों ने जिस तरह से मुझे अपनी बहू नहीं बेटी की तरह ट्रीट किया, मुझे अपनी फैमिली में एक्सेप्ट किया, और मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं किसी नए घर में जा रही हूँ। थैंक यू सो मच मम्मा पापा फॉर लविंग मी एंड एक्सेप्टिंग मी। के बारे में बातें करती थी, बट बीइंग सो प्रैक्टिकल मैं उन्हें हमेशा कहती थी ड्रीम बॉय नेवर एग्जिस्ट। पर आपसे मिलने के बाद सब कुछ बदल गया। आपके साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए किसी हसीन सपने की तरह है। इन 6 मंथ्स में यू टर्न सो मैनी ऑफ माई ड्रीम्स इन टू रियलिटी। आपसे मिलकर मैंने जाना कि प्यार क्या होता है। यू मेक मी बिलीव इन लव थ्रू योर केयर लव एंड अंडरस्टैंडिंग। दूर रहकर भी आप हमेशा मेरे साथ थे, सिर्फ खुशी के पलों में ही नहीं, उस वक्त भी जब मुझे किसी अच्छे फ्रेंड की ज़रूरत थी। थैंक्स आकाश, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय लाइफ सो वंडरफुल एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस लाइफ जर्नी विद यू। लव यू। चन्ना मेरे आ, मेरे आ, चन्ना मेरे।